ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो हमारा जो डिस्कशन चल रहा था ऑसिलेशन इस चैप्टर पर, उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब पिछले लेक्चर्स तक मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस तक पढ़ाया है, ठीक है। आज का लेक्चर भी अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस लेक्चर में हम, आप अगर मॉड्यूल देखते हैं तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट एनर्जी। बिल्कुल जो टेक्स्ट बुक का अपना सीक्वेंस है उसको मैं ध्यान में रख रहा हूँ, और साथ ही साथ इस बात का भी मैं ध्यान रख रहा हूँ कि एनसीईआरटी की बुक में क्या क्या दिया गया है और प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी को ध्यान में रख करके ये पूरी थियोरी हम कवर करते जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग विद द पीवाईक्यूज। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, फिर उसका डाउट सॉल्विंग सेशन हम लोग रखेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट एनर्जी इन SHM। ओके, अब जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है, मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, जैसे एक सिंपल से रिप्रेजेंटेशन से अगर हम बताएं तो लाइक दिस इज द पाथ, ये मीन पोजीशन है। इसकी दो एक्सट्रीम्स हमको बतानी पड़ती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और पार्टिकल को कहीं से भी आप स्टार्ट कर लें कोई इशू नहीं है, जस्ट शो दैट इट इज मूविंग। तो पार्टिकल मूव करता है और फिर वो आगे पीछे टू एंड फ्रो करता जाता है, तो फिर इसकी एनर्जी की कैलकुलेशंस कैसे की जाए, हाउ डू वी एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कि एनर्जी कहाँ कितनी और कौन से टाइप की है। ओके, तो जब हम SHM की बात करते हैं ना, तो SHM में पार्टिकल के पास दो तरीके की एनर्जीज हो सकती हैं। नंबर वन, द पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का रीजन बड़ा सिंपल है, चूंकि यहां मोशन एग्जीक्यूट हो रहा है, एनीथिंग विच इज इन मोशन डस पजेस काइनेटिक एनर्जी। ये बात तो क्लियर हो गई आपको, ये सुनो। यस सर अब क्वेश्चन ये आता है कि इस काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे ऑब्टेंड करें। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल सा टास्क है। अगर हम मैकेनिक्स के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पे ध्यान दें तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा और इजी सा फॉर्मूला है, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। अब जिस किसी वेलोसिटी से पार्टिकल जहां कहीं मूव कर रहा होगा उस वेलोसिटी का आप इस्तेमाल कर लें और अकॉर्डिंगली आप काइनेटिक एनर्जी को डिस्क्राइब कर दें। बट हम लोग ये जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है, ठीक है, ड्यूरिंग SHM पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उसको लिखा जा सकता है ओमेगा एंड देन अंडर रूट में स्क्वायर माइनस रूट का एक्स स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। वॉट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू सब्सटीट्यूट दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी इक्वेशन इन टू द काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन। तो इस हिसाब से देखें तो काइनेटिक एनर्जी की अपनी इक्वेशन बन जाएगी मास, अब चूंकि इसका स्क्वायर करना है तो ये हो गया ओमेगा का स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट, यू आर डन विद दिस। बस इतना ही काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, इससे ज्यादा आपको कोई और नई बात यहाँ पे समझने की, फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम डिस्कशन आगे करेंगे तो फिर और डिटेल इसके बताते जाएंगे। अब एक बात मुझे ये समझ आई कि काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली जो डिपेंड कर रही है ना, वो पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, या आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। जस्ट इमेजिन करो कि बिल्कुल मीन पोजीशन पे अगर मैंने निकाला तो मैं एक्स की वैल्यू क्या करूंगा यहाँ पे, जीरो, जी जीरो मीन पोजीशन का। ऐसे मत करो, बहुत इत्मीनान से पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल अगर एक चौथी पांचवी का स्टूडेंट भी सुनने लग रहा है ध्यान से तो उसको भी समझ में आ जाएगा। तो कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं रख रहा हूं मैं, एकदम एकदम बेसिक बेसिक बातें बता के आपको, ज्यादा वक्त ले रहा हूं मैं हालांकि, ठीक। तो मीन पोजीशन पे जब हम हैं तो एक्स की वैल्यू क्या करनी चाहिए हमको, जीरो पुट अप करनी चाहिए। तो फिर मीन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, यस। चलिए अगर मैं इसे सॉल्व करने लग जाऊं ओमेगा स्क्वायर इस पर तो एट मीन पोजीशन
मुझे पुट अप करना है एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहां पे मैं देखूंगा कि काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बन जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, गेटिंग इट राइट। यस सर। और सोचो कि अगर मैं इसी पार्टिकल को इमेजिन करता हूं कि वो एक्सट्रीम पर है, तो एक्स क्या हो जाएगा, चाहे प्लस ले ले चाहे माइनस ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी स्क्वायर करना है। तो आप इमेजिन करें कि आपने एक्स की जगह पे ए पुट अप कर दिया, तो इस हिसाब से आप मुझे बताएं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो 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 हो जाएगी। और लॉजिकली भी ये बात बहुत कन्विंसिंगली हमें समझ में आती है कि पार्टिकल जब एक्सट्रीम पर पहुंचता है तब उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, मतलब वो रुक रहा है, और किसी भी रुकी हुई चीज का, जो चीज रुक जाती है, जो स्टॉप हो जाती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वैसे भी जीरो होती है। यस अब इस छोटे से डिस्कशन से हमें यह समझ आया कि थ्रू आउट द मोशन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से लगातार चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बदलेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बदलेगी इसकी। अब डिस्प्लेसमेंट के बदलने को बेटा आप टाइम रेट से भी बता सकते हो, जैसे आपने ये कहा कि टाइम T/4 हो गया, या आपने ये कहा कि टाइम T/6 हो गया, या आपने ये कहा कि टाइम T/12 हो गया, तो पर्टिकुलर पर्टिकुलर पोजिशन पे पार्टिकल आएगा ना, तो टाइम के साथ भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो लगातार चेंज हो सकती है, ऐसा भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। यहां मैंने पोजीशन से बताया, हालांकि हम इस पोजीशन को हटा करके इसकी जगह टाइम भी ला सकते हैं जरूरत पड़ने पर, आगे हम इस पर डिस्कशन करेंगे। क्या ये मुद्दा क्लियर हो रहा है आपको? यस सर। अब एक और छोटी सी चीज मैं यहां पे जोड़ना चाहता हूं या मॉडिफाई करना चाहता हूं बेटा। आपने देखा होगा कि प्रीवियस इक्वेशंस बनाते वक्त हमने ओमेगा स्क्वायर का जो रिप्लेसमेंट किया था ना, वो हमने किया था K/M, याद आया यस पहले के लेक्चर्स में, जब हम बिल्कुल टाइम पीरियड के बारे में बात किया करते थे, तब हमने ओमेगा स्क्वायर को हटा करके उसकी जगह पे लिखा था K/M। अब जरा सोचिए, एम ओमेगा स्क्वायर इस फैक्टर को अगर मैं रिप्लेसमेंट देना चाहता हूं तो उसका क्या रिप्लेसमेंट आएगा, के ये आएगा। के तो इसका मतलब ये पता चला कि जरूरत पड़ने पर हम काइनेटिक एनर्जी को ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ये हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, यहां से मैंने हटा दिया, उसकी जगह पे के आया, एंड देन आई हैव सपोज टू राइट एज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी चलेगा। ठीक, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर ली, कलेक्ट कर ली काइनेटिक एनर्जी के बारे में, जिसमें पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है। अब आते हैं सेकेंड सॉर्ट ऑफ एनर्जी, सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कशन करते हैं। जब पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है तो उस पार्टिकल पर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, बगैर रिस्टोरिंग फोर्स के पार्टिकल SHM नहीं कर सकता, ये बात तो हमें अच्छे से दिमाग में बिठानी चाहिए, है ना। बिल्कुल यस शुरुआत के लेक्चर्स में मैंने ये डेफिनेशन आपको बताई। अब जैसे जस्ट इमेजिन करें, आपके मेरे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट है, जस्ट इमेजिन करें, और इस स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट को मैंने हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया और इसे ऑसिलेट करवाना शुरू कर दिया मैंने, और मैं ये मानता हूं कि ये कुछ ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है ऊपर और नीचे लाइक दिस। ये करंट पोजीशन मेरा मानना होगा कि ये एक्स इक्वल टू जीरो हो जाती है, ये आप ऊपर की तरफ प्लस ए ले लें और नीचे की तरफ माइनस ए ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, जस्ट इमेजिन करते हैं, बराबर मेरे। अब सोचिए जब ये ऑसिलेट कर रहा होगा तो इस ब्लॉक को अपनी जगह पर वापस से पुश या पुल जो मिलेगा वो इस रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग की वजह से मिलेगा, स्प्रिंग ये काम करेगी ना कि इसको ऑसिलेट करने में हेल्प करेगी, स्प्रिंग ही उसे ऑसिलेट कराएगी, रादर मुझे कहना चाहिए, यस और नो। ठीक यस है, अब जस्ट इमेजिन करते हैं बेटा कि ये ब्लॉक ना हमने हल्का सा डिस्टर्ब करके नीचे ले आए, जस्ट सोचें ऐसे, मैं एक डॉटेड लाइन बना देता हूं कि इस ब्लॉक को हम ऐसे हल्का सा डिस्टर्ब करके या मूव करा के हम इसको नीचे ले आते हैं, यहां ले आते हैं। जैसे ही बेटा हम इसको नीचे ले आते हैं तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जिसे हम लिखते हैं -KX, करेक्ट है? यस सर। ठीक है, अब ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है, वापिस खींचना लेकिन फिर भी हम हमारे ब्लॉक को पूरा एक्सट्रीम तक ले जाने वाले हैं, है कि नहीं, पूरा एक्सट्रीम तक लेके जाएंगे, भले धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी कम होती जाएगी, लेकिन हम अल्टीमेटली हमारे ब्लॉक को कहां तक लेके जाएंगे, एक्सट्रीम तक, एक्सट्रीम तक। और लगातार हमें एक अपोजिशन स्प्रिंग की तरफ से मिलता रहेगा जिसका काम यह होगा कि वो ब्लॉक को अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे वापस ले आए।
यस अब अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लीजिए कि आप किसी चीज को एक्सट्रीम की तरफ पुल कर रहे हैं और स्प्रिंग उसको दोबारा मीन की तरफ पुश कर रही है, तो क्या आपका पुल करना ऐसे ही हो जाएगा या आपको उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ स्प्रिंग जो है ना ब्लॉक को नीचे ला रहे हैं, और उस अगेंस्ट द फोर्स ऑफ स्प्रिंग हमको थोड़ा बहुत काम करना होगा। अगर हम वहां पे काम यानी कि वर्क डन नहीं करते हैं तो हम उस ब्लॉक को नीचे नहीं ले पाएंगे, स्प्रिंग यस फौरन उसको अपनी जगह पे रुका देगी। और अगर हम उसे नहीं लाए नीचे एक्सट्रीम तक, हम उसे पुल नहीं कर पाए, तो फिर SHM का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इस पूरी सिनेरियो में हमें यह समझ आया कि हमें वहां पे वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ स्प्रिंग। बात क्लियर हुई मेरी? यस सर। अब बच्चों, जिस सिस्टम में भी जहां कहीं भी हमें वर्क डन करना होता है, जहां कहीं भी किसी भी तरीके की सिस्टम रहने दो, जहां कहीं भी हमें वर्क डन करना होता है ना, वहां पर फिजिक्स का रूल कहता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी डेवलप हो जाती है, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो स्टोर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब इसे समझने की कोशिश करिए, आप इस स्प्रिंग को जोर से खींच 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 के खींच के खींच के खींच के खींच के नीचे ले आए, तो आपने क्या किया? वर्क डन, वर्क डन किया, उसको खींच के नीचे ले रहा है। अब आपने जो वर्क किया ना, उसके बराबर की एनर्जी स्प्रिंग में जमा हो गई है, पोटेंशियल बोल के स्टोर हो गई है एनर्जी। जैसे ही आप अपना हाथ ब्लॉक से छोड़ देते हैं, आप देखोगे कि ब्लॉक ऊपर जम कर रहा है, तो उस वक्त उसको ऊपर कौन ले गया? पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग क्यों भला उसको ऊपर ले जाएगी? ऊपर ले जाने के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो स्प्रिंग में एनर्जी कहां से आई? तो आंसर है उसके पास स्टोर थी। फिर आप बोलेंगे भाई उसके पास स्टोर कहां से हुई? तो आंसर है हमने जो काम किया उसके बदले में एनर्जी ने, स्प्रिंग ने अपने अंदर एनर्जी को स्टोर किया। ठीक है? Yes. तो पता चला कि SHM जहां कहीं परफॉर्म हो रहा है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी आना लाजमी है, जरूरी है, कंपलसरी है। बगैर पोटेंशियल एनर्जी के SHM तो एग्जीक्यूट हो गई। गेटिंग इट राइट? यस सर। अब हम अगर पोटेंशियल एनर्जी का पूरा कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इसकी जो जड़ है, इसकी जो रूट है, वहां से ही बात करना शुरू करें। एक हल्के से डिस्प्लेसमेंट लेने की वजह से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा? वर्क डन। अब मुझे आप ये बताइए कि वर्क डन हम कैसे लिखें? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा सोचिए कि यहाँ पे मुझे फोर्स कैसे लिखना है, तो आंसर है माइनस के एक्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक्स। अब रादर एक्स डिस्प्लेसमेंट लेने की बजाय हम क्या करेंगे, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, पूरे वर्क डन की एक साथ बात नहीं करेंगे, एक छोटा सा, हल्का सा। क्यों छोटा लेना? अब आपको ये डाउट आ सकता है, छोटा क्यों लेना? क्योंकि देखो, जितना मैं स्प्रिंग को ज्यादा जोर से खींचूंगा ना, जितना इस ब्लॉक को मैं ज्यादा खींचूंगा उतना ज्यादा फोर्स आएगा। अगर मैंने स्प्रिंग को मीन पोजिशन से बहुत थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो फोर्स भी एकदम थोड़ा सा आएगा। अगर मैं और ज्यादा नीचे खींचता हूं तो फोर्स और ज्यादा आता है, और ज्यादा नीचे खींचता हूं तो फोर्स और ज्यादा आता है। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। Yes. तो हम एक छोटे से एलिमेंटल वर्क डन की बात करते हैं, पूरे के बारे में बाद में सोचेंगे। हम फिलहाल ऐसे सोच रहे हैं कि भाई यहां से लेकर के यहां तक, ये मानो यहां से लेकर के यहां तक मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया dx, तो उसके लिए कितना काम करना पड़ रहा है। आई मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो उसके लिए हमको कितना काम करना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से मैंने इस वर्कडन को लिखा माइनस ऑफ के एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन एक और बात है बेटा, इसमें सोचो, ये जो वर्कडन हम कर रहे हैं, क्या हम इस फोर्स को फेवर में लेकर कर रहे हैं क्या उसके अगेंस्ट में कर रहे हैं? अगेंस्ट में कर रहे हैं, क्योंकि ये फोर्स तो हमको स्प्रिंग को ऊपर खींच रहा है और हमें खींच रहा है नीचे। मतलब फिर एक बार मुझे यहाँ पे बाहर क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। तो जरा सोचते हैं कि ये टोटल वर्क डन कितना हो गया, तो आंसर है माइनस माइनस प्लस हो गया kx, इतना वर्क डन हमको मिला। बट वी आर मोर इंटरेस्टेड टू गेट द टोटल वर्क डन, हमको निकालना है भाई टोटल कितना काम हुआ है। इंटीग्रेशन, फिलहाल इतना तो काम हो गया, तुम बराबर बोल रहे हो, लेकिन टोटल कितना काम हुआ है? तो बेटा आंसर ये है कि हम इस स्मॉल एलिमेंटल वर्क डन का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। ये हमारा रूटीन का प्रोसीजर है, कोई खास बात नहीं है। फिजिक्स में अक्सर ऐसे ही डेरिवेशंस को आगे बढ़ाया जाता है, एक एलिमेंटल कैलकुलेशन करके उसको आगे इंटीग्रेट करें और टोटल वैल्यू फाइंड आउट करें। अब जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम शुरू कहां से कर रहे हैं? जीरो डिस्प्लेसमेंट से। जीरो से। और ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्प्लेसमेंट लेंगे? हम कहेंगे एक्स।
अब आप बोल सकते हैं सर डायरेक्ट ए क्यों नहीं लिया, अब ए एक्चुअल कितना है हमको ये पता नहीं है, क्योंकि तो मैक्सिमम एक्स है ये, ए का मतलब मैक्सिमम एक्स। तो एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहता हूं तो उसके लिए मैं क्या लूंगा यहाँ पे, एक्स एक्स भाई ज्यादा से ज्यादा एक्स इतना मैंने कर दिया। गेटिंग इट राइट? यस सर। अब इसे आप क्या करें, सब्स्टिट्यूशन दे दें, जीरो से एक्स, यहां हो गया बेटा के एक्स डी एक्स। बात क्लियर हुई? यस। क्या आप में से कोई मुझे इसका इंटीग्रेशन बता पाएगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, जिसकी लिमिट्स हम फिलहाल रैंडमली जनरलाइज तरीके से लिखते हैं जीरो से एक्स। अब इंटीग्रेशन पूरा होने पर हम लोग क्या करते हैं? तो मैंने इस हाफ को बाहर निकाल दिया, फिर ये के, अब अपर लिमिट कितनी है बताएं? जीरो का स्क्वायर कुछ मतलब नहीं रखता है, यानी कि पता चला हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। इफ यू रिकॉल ये डेरिवेशन मैंने आपको 11th में भी लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया है, स्प्रिंग फोर्स के डेरिवेशन में मैंने ये चीज वहां पे पढ़ाई है आपको, ठीक है। अब मामला ये है कि जितना भी वर्कडन हम एग्जीक्यूट करते हैं वो सारा का सारा वर्कडन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स इट, यू आर डन विद द डेरिवेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कैसे लिखी गई? हाफ के एक्स स्क्वायर। जरूरत पड़ने पर इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम ऐसे भी लिखेंगे। बाप बोलेंगे ये कहां से आया, सोचें। के का सब्स्टिट्यूशन, मैंने के के लिए सब्स्टिट्यूशन जो तैयार कर रखा था एम ओमेगा स्क्वायर, ये रहा यहाँ पे के लिए एम ओमेगा स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे हटा के लिख दिया। अब इसे भी मैं बेटा दो कैटेगरीज देना चाहता हूं। पहली कैटेगरी में देना चाहता हूं कि जब हम लोग मीन पर होंगे, ठीक, तो एक्स की वैल्यू हम लोग क्या पुट अप करेंगे? जीरो। इसका मतलब स्टैंडर्ड केसेस में पोटेंशियल एनर्जी मीन पर कितनी होगी? जीरो। जीरो, लेकिन एक बात याद रखिए, जीरो का मतलब हमें यहां पे लेना है मीन पोजीशन मिनिमम। कभी कभी सिस्टम के अंदर अपनी खुद की पोटेंशियल एनर्जी भी थोड़ी बहुत रहती है, सिस्टम के अंदर ना अपनी खुद की थोड़ी बहुत पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। वो एसएचएम के हिसाब से मेन पोजीशन पर हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए, नेसेसरी नहीं है कि वो जीरो हो। आइडियली कितनी होनी चाहिए? जीरो। ठीक है, तो मीन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है? शाबाश, जीरो होती है नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुछ एक कंडीशंस ऐसी भी हमारे पढ़ने में आगे आएंगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त, जहां पर हम ये बोलेंगे कि यार पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, जीरो नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे, ठीक है ना। आइडियली अगर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा कि जीरो हो जाए, ऐसा नहीं कि जीरो होगी ही नहीं, ऐसा नहीं, जीरो भी हो सकती है, लेकिन वो आइडियल सिचुएशंस होंगी, थ्योरेटिकल सिचुएशंस होंगी, करेक्ट सिचुएशंस होंगी, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो वो कम से कम होनी चाहिए। इसका मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे ही देता हूं। सोचो आपने इस ब्लॉक को स्प्रिंग के ऊपर अटैच किया और ऑसिलेशन नहीं किया, नहीं किया आपने ऑसिलेशन, तो भी ब्लॉक नीचे आने की वजह से उसके अंदर थोड़ी बहुत पोटेंशियल एनर्जी आ गई, खींचा गया ना, स्प्रिंग खींची गई है, फिर जहां पर वो इक्विलिब्रियम में आ रहा वहां तुम जीरो मान के आगे का कैलकुलेशन करोगे। बात समझ आ रही है? यस। क्लियर भी नहीं बाती है, जरूरी है एक्सप्लेनेशन। तो मीन एक ऐसी जगह होगी जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम। मिनिमम होनी चाहिए, और आइडियली कितनी होनी चाहिए? जीरो। जीरो। अब अगर हम इसका अगला सिनेरियो ले लें, एट एक्सट्रीम, एट एक्सट्रीम की बात करें तो हम बोलेंगे कि एक्स ए हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर कितनी होगी? लेट मी राइट एम ओमेगा स्क्वायर, या चाहे तो आप ऐसे लिख लें हाफ के स्क्वायर। अब ये बात याद रखिए कि एक्सट्रीम एक ऐसी जगह होगी जहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम, बिल्कुल बेसिक बात है। तो हमें पता चला कि एसएचएम में दो तरीके की एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। और ये खास बात हमें पता चली
कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के दोनों पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती हैं, हर एक जगह पर वो सेम नहीं होने वाली हैं। जैसी जैसी पोजीशन बदलती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज में भी चेंजेस आते जाएंगे। मोटा मोटा हिसाब किताब हमको ये समझ में आया कि मीन पोजिशन पर काइनेटिक मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल जीरो होती है यानी कि मिनिमम होती है। एक्सट्रीम पोजिशन पर काइनेटिक जीरो हो जाती है और पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। मीन पर कौन ज्यादा कौन कम? काइनेटिक ज्यादा, पोटेंशियल ज्यादा और पोटेंशियल कम। एक्सट्रीम पर कौन ज्यादा कौन कम? पोटेंशियल ज्यादा, पोटेंशियल ज्यादा और काइनेटिक कम। अब ये दिमाग में बैठना चाहिए, यहाँ से हिले नहीं बात ये। एक्सट्रीम पर कौन ज्यादा कौन कम? पोटेंशियल ज्यादा, पोटेंशियल ज्यादा। सिंपल बात, एकदम लॉजिकली सोचो, एकदम बेवकूफों की भी तरह सोचोगे ना ऐसे तुम तो। एक्सट्रीम पर क्या पार्टिकल रुक रहा है? नहीं, अरे रुकेगा ना यार, एक्सट्रीम पर नहीं रुका तो और आगे जाएगा। एक्सट्रीम पर पार्टिकल रुकता है नहीं रुकता है? रुकता है। अगर वो रुकता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? जीरो। मतलब एक्सट्रीम एक ऐसी जगह होगी जहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। अगर काइनेटिक मिनिमम है तो पोटेंशियल ज्यादा होती है, उल्टा चलता है। और मीन पर पार्टिकल मैक्सिमम स्पीड से चल रहा होता है। यस, अगर वो मैक्सिमम स्पीड से चल रहा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वहां ज्यादा होगी। और अगर काइनेटिक ज्यादा है तो इसका मतलब पोटेंशियल कम। ठीक है, मैंने सारी चीजें एकदम सिंप्लीफाइड कर दी आप लोगों के सामने, अब आप उसे गेन करें, बस उम्मीद यही रखता हूं मैं। एक और बात यहाँ पे मन में खटकती है कि जैसे जैसे पोजीशंस बदलती जाती हैं तो काइनेटिक और पोटेंशियल की इंडिविजुअल वैल्यूज बदलती जाती हैं, तो हमें एक और तीसरा फैक्टर भी एस्टीमेट कर लेना चाहिए कि पूरे एसएचएम के दौरान टोटल एनर्जी कितनी है। एक जनरल एस्टिमेशन भी हमें निकाल लेना चाहिए पूरे एसएचएम के दौरान टोटल एनर्जी कितनी है। अब टोटल का मतलब टोटल होता है, इसमें क्या ज्यादा सोचना। अब टोटल का मतलब आप ऐसे टोटल करेंगे कि भाई उसके पास काइनेटिक कितनी है और पोटेंशियल कितनी है, ऐसे ही तो टोटल करोगे आप। और एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बात भी नहीं है, सीधे सीधे एडिशन कर दें आप उसका मैथमेटिकली। तो जब हम टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं तो हमको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट मिलता है। ध्यान से देखिए, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन पुटअप करते हैं तो ये है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की जब हम इक्वेशन पुटअप करते हैं तो ये है हाफ के एक्स स्क्वायर। आई होप आप फॉर्मूला रिकॉल कर पा रहे हैं। Yes. तो टोटल एनर्जी के कैलकुलेशन को धीरे से आगे बढ़ाते हैं तो ये हो गया बेटा हाफ के स्क्वायर, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस में फिर प्लस में हाफ के एक्स स्क्वायर। मैं ये देखता हूं कि सीधे सीधे ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है और हमें एक बड़ा ही शानदार रिजल्ट मिलता है हाफ के स्क्वायर। अब देखिए टोटल एनर्जी ऐसे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है जो सारे कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट कांस्टेंट है, और किसी गिवन एसएचएम का एम्पलीट्यूड भी तो कांस्टेंट होगा। एम्पलीट्यूड तो एम्पलीट्यूड होता है भाई, 5 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है, पार्टिकल जीरो से शुरू कर रहा है 1 2 3 4 5 5, तो वो तो कांस्टेंट माना जाएगा ना। पोजीशन चेंज हो रही है 1 2 3 4, फिर 5 के बाद 4 3 2 1, फिर इधर माइनस में, लेकिन एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है। यस सर। इससे सीधा सीधा कंक्लूजन क्या मिला? कांस्टेंट। कि थ्रू आउट द एसएचएम भले काइनेटिक और पोटेंशियल की इंडिविजुअल वैल्यूज बदलती जाए, कुछ कम हो रहा है कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन जब हम टोटल वैल्यू निकालेंगे, दोनों का जमा करेंगे, दोनों की एडिशन करेंगे, टोटल एस्टिमेशन निकालेंगे एनर्जी का, तो वो हमेशा पूरे एसएचएम में हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट। हम चाहें तो इसका छोटा सा प्रूफ देख सकते हैं, एक हल्का सा प्रूफ देख लेते हैं इसका। चलिए कैलकुलेशन करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू, लेट्स डू इट फॉर ए बाय रूट टू, लेट्स डू इट फॉर ए बाय रूट टू। ठीक है, पहले काइनेटिक निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है काइनेटिक का? हाफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं यहां एक्स स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं, उसकी जगह पे मुझे क्या लिखना चाहिए? ए स्क्वायर बाय टू। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं बेटा तो इसका आंसर क्या आएगा? हाफ के ए स्क्वायर बाई टू
यानी कि काइनेटिक एनर्जी का आंसर मुझे मिलेगा 1/4 KA² ये कहां की बात चल रही है, ए बाय रूट टू की बात चल रही है। अब सिमिलर लाइंस पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 KX² एक्स की जगह पे मुझे लिखना है ए बाय रूट टू, तो उसका स्क्वायर अगर मैंने कर दिया तो ये हो गया ए स्क्वायर बाय टू, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 1/4 KA² अब सोचो बेटा अगर मैं टोटल निकालता हूं तो मुझे करना होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जरा काम करना काइनेटिक प्लस पोटेंशियल पूरा करना, तो टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो काइनेटिक वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/4 KA² प्लस पोटेंशियल वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 1/4 KA² आप इसका एडिशन करते रहिए आपको आंसर मिलेगा 1/2 KA² उतनी आई जितनी आनी चाहिए थी, yes, फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट आप इसे किसी भी दूसरी जगह के लिए फाइंड आउट करें, x इज इक्वल टू ए पर फाइंड आउट कर लें, x इज इक्वल टू जीरो पर फाइंड आउट कर लें, x इज इक्वल टू ए बाई टू पर फाइंड आउट कर लें, x इज इक्वल टू √3 a/2 पर फाइंड आउट कर लें, किसी भी जगह फाइंड आउट करें, जब आप पूरा सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपको हमेशा टोटल एनर्जी का आंसर यही मिलेगा हमेशा। जैसे और एक दो एक्सपेरिमेंटेशन या काइंड ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपके सामने रखते हैं, x इज इक्वल टू जीरो पे करते हैं। चलिए जब हम x इज इक्वल टू जीरो पे करेंगे तो बताएं के ही कैसे लिखें, 1/2 K² माइनस जीरो का स्क्वायर, सॉल्व कर लें 1/2 K² पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताएं 1/2 K जीरो का स्क्वायर यानी कि जीरो। अब टोटल निकालें आप 1/2 KA² तो जब आप के ई प्लस पी करेंगे तो आपको वापस से 1/2 KA² ही मिल रहा है। yes. तो आप किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए इस कैलकुलेशन को दोहराएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका आंसर क्या मिल रहा है 1/2 KA² हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग SHM टोटल एनर्जी इज ऑल्सो ऑलवेज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। SHM जब होता रहेगा तो टोटल एनर्जी हमेशा उसकी कंजर्व रहेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी, टोटल वैल्यू हमेशा उसकी कॉन्स्टेंट रहेगी। अब थियरी में ऐसे कई सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, शो दैट द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द SHM इज कंजर्व, शो दैट मतलब कोई भी एक वैल्यू उठा के पिकअप कर लो, टोटल वैल्यू निकाल दो, बता दो कि भाई देखो ये हमेशा इतनी आ रही है इसका मतलब ये कंजर्व्ड है। आ रही है ना बात समझ में? यस सर। अब इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रिप्रेजेंटेशन यहां पर बताया जाता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, बड़ा जबरदस्त सा रिप्रेजेंटेशन है कि इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस या मुझे कहना चाहिए कि इसकी थ्रू आउट द मोशन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की जो शेयरिंग्स हैं उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मैं एक सिंपल सी लाइन यहां पे इस्तेमाल करूं ये कहते हुए कि ये हमारी SHM की लाइन है, ये जीरो है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, मान लेते हैं ये थोड़ा सा आगे, ऐसे मैं रिप्रेजेंटेशन के तौर पे कर रहा हूं, ये एम्पलीट्यूड है और इस एक्सिस पर अगर मैं एनर्जी का कॉलम ले लूं, एनर्जी ई, एनर्जी एक्सिस ले लूं मैं, तो आप मुझे एक बेसिक बात बताइए कि काइनेटिक एनर्जी, या चलिए पोटेंशियल से शुरू करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मीन पर कितनी होती है? जीरो। जीरो, तो ये मीन पे जीरो होती है, ये ब्लू डॉट मैंने जहां लगाया। अब मुझे ये बताइए एक्सट्रीम पर कितनी होती है? मैक्सिमम। मैक्सिमम हम जानते हैं ये आप सब जानना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, अभी 5 मिनट पहले पढ़ाया। एक्सट्रीम पर कितनी होती है? मैक्सिमम। लेट से कि वो जो मैक्सिमम वैल्यू है यहां मैंने बता दी और वो मैक्सिमम वैल्यू है 1/2 KA² करेक्ट है? यस। तो एक्सट्रीम पर पहुंचते पहुंचते वो वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि इतनी होगी ये मैक्सिमम एक्सट्रीम पर जाने के बाद। मीन पर कितनी? जीरो। जीरो। और ये वाली एक्सट्रीम पर भी कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब ऐसी होनी चाहिए।
तो पार्टिकल जब अपनी जर्नी शुरू करेगा तो दरमियान दरमियान में उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ते बढ़ते जाएगी ना, बढ़ते 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 एक्सट्रीम आते 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 ऐसे, करेक्ट, वापस पलट पलट के पीछे आएगा तो मीन आते 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 जीरो, फिर पलट के मीन की तरफ, सॉरी एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो बढ़ते 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 फिर मैक्सिमम, यही हो कहानी। यस सर। अगर हम इसे ज्वाइन कर लें तो हमें ये कुछ इस तरीके का शेप बनता हुआ नजर आएगा, एक पैराबोलिक शेप कहा जा सकता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है। मैं इसे समझने के लिए कहता हूं सीधा कटोरा, कटोरा बाउल, सीधा कटोरा। और सीधे का मतलब ये है कि अंदर एनर्जी जमा है ना, सीधे का तो यही मतलब है। ऐसे रखोगे तो जमा होगा, जो भी आपका खाना वाना है, ग्रेवी सालन, जमा रहेगा। तो ये जो ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है, ये ग्राफ किसके लिए बन रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना, ये ग्राफ हमारा बन रहा है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। डू रिमेम्बर दिस। अब आती है काइनेटिक एनर्जी की बारी। हाँ, एक एक इसमें वेरिएशन आ सकता है, कि जरूरी नहीं है कि ये जीरो पे जीरो ही आए, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकती है। ये कर्व ना ऐसे मिनिमम वाली ग्राफ में ऐसे भी आ सकता है, यहां से भी जा सकता है ऐसे। पूरा पक्का जीरो होगा वो ऐसा जरूरी नहीं है। बात बैठ रही है दिमाग में? यस सर। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी मीन पर कितनी होती है? मैक्सिमम। मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब मुझे ये डॉट रेड वाला यहां लगाना पड़ेगा। और एक्सट्रीम पर कितनी होती है? जीरो। जीरो, तो पक्का जीरो होगी। दूसरी वाली एक्सट्रीम पर कितनी होगी? जीरो। जीरो ही होगी। अब मान लो पार्टिकल ऐसे मीन पर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एकदम मैक्सिमम है, लेकिन जब वो एक्सट्रीम पर जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 कम होती जाएगी, है कि नहीं? जैसे जैसे वो मीन की तरफ जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ऐसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी 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 और ये ऐसे मैक्सिमम हो जाएगी। अब किसी ने कुछ क्वेश्चन रेज किया है, कर्व क्यों निकाले, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं लिए? गुड क्वेश्चन। यहां पे ऐसी सीधी लाइन क्यों नहीं लिए? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, हाफ के एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर पैराबोलिक। समझा नहीं समझा? ऐसे भी तो हो सकता था, जैसे वो क्वेश्चन रेज कर रहा है स्टूडेंट के, भाई ये सीधे लाइन निकाल लो, ऐसे सीधा तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को बताता है। क्या हमारी काइनेटिक एनर्जी एक्स के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या एक्स के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल। तो ऐसा आएगा, ठीक है। हाँ, अब हम थे काइनेटिक एनर्जी के सिनेरियो में, तो मीन पर मैक्सिमम है, जैसे जैसे हम एक्सट्रीम की तरफ बढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी घटते 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 ऐसी हो जाएगी। ऑन द अदर साइड जाएंगे तो फिर ऐसे घटते 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 ऐसी होगी। फिर एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएंगे तो ऐसे बढ़ते 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 इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी। अब आप बोलो, क्या मुझे ऐसे सीधा लाइन निकालना चाहिए या इस तरीके से कर्व लेना चाहिए? कर्व लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी मामला वही है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी में, डिस्प्लेसमेंट के साथ स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी में। तो इसके लिए अगर मैं रिप्रेजेंटेशन पूरा करता हूं तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। अब याद रखने के हिसाब से, कटोरा, हाँ, अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी को सीधा कटोरा बोला है जिसमें कोई चीज जमा होती है, तो काइनेटिक एनर्जी को मुझे बोलना पड़ेगा उल्टा कटोरा, उसमें खर्च हो गया सब कुछ। काइनेटिक एनर्जी तो एनर्जी खर्च हो रही होती है ना चलते वक्त। यस यस सर। ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया ना, इस वाली ग्राफ को हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। अब काइनेटिक आ गई, पोटेंशियल आ गई, सीधा कटोरा उल्टा कटोरा, समझ में आई बात? यस। कौन कैसा कटोरा है, कौन कैसा बाउल है? पोटेंशियल सीधा कटोरा, सीधा है, याद रखो पोटेंशियल सीधा है, गड़बड़ नहीं करना इस बात में, ठीक है। और उसको इस लॉजिक से याद रखो, पोटेंशियल का मतलब हमें उसको स्टोर रखना है तो सीधा ही रखना पड़ेगा। अब बारी आती है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट पूरा का पूरा कहीं भी जाए, कुछ भी हो जाए, तो कांस्टेंट है। मतलब अगर मैं यहां देखूं तब भी वो हाफ के ए स्क्वायर है, यहां देखूं तब भी हाफ के ए स्क्वायर है, यहां देखूं तब भी हाफ के ए स्क्वायर है, यहां देखूं तब भी हाफ के ए स्क्वायर, कहीं भी देखूं तो हाफ के ए स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी ना ऐसे आएगी। यस यस सर। तो ये ढक्कन हो गया। हाँ, सीधी सीधी बात है एकदम। यस नो? यस। अब इमेजिन करते हैं कि एक एसएचएम हमारे पास कहीं एग्जीक्यूट हो रहा है
ये इसका मीन पोजीशन है, ये प्लस एक्सट्रीम पोजीशन है, ये ऑन द अदर साइड माइनस एक्सट्रीम पोजीशन है। मुझे ये बताइए मीन पर कौन ज्यादा कौन जीरो, ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा, काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल ज्यादा मीन पर। शाबाश, पूरा पढ़ाया हुआ खेल उल्टा कर दिया तुमने। ध्यान पोटेंशियल से बैठो, इतना भी पोटेंशियल नीचे मत जाओ यार, मतलब सब उल्टे सीधे आंसर देते हो। यस, मीन पर कौन ज्यादा कौन कम। काइनेटिक ज्यादा, पोटेंशियल पोटेंशियल कम, पोटेंशियल कम, कम हो जाएगी। एक्सट्रीम पर कौन ज्यादा कौन कम, पोटेंशियल पोटेंशियल ज्यादा, काइनेटिक ज्यादा कम। हो जाती है, काइनेटिक कम होती है। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि मुझे वो जगह बताओ जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होने चाहिए। मामला तो यही चल रहा है ना, एक ज्यादा एक कम, तो कुछ ज्यादा होता रहेगा कुछ कम होता रहेगा, ये कम ज्यादा होने के प्रोसेस में एक जगह ऐसा भी तो आएगा जहां ये इक्वल होंगे। यहां पर पोटेंशियल जीरो है, काइनेटिक मैक्सिमम है। यहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, काइनेटिक जीरो है, तो बीच में कहीं ऐसी जगह जरूर होगी जहां पे क्या होने वाला है, दोनों इक्वल होने वाले हैं। तो इक्वल लॉजिकली सोचो वो कहां होने वाला है। ये बाय रूट टू। अगर कोई स्टूडेंट का दिमाग ये चलता है कि वो ए बाय टू पर है तो वो गलत कह रहा है, क्योंकि आप ऐसे सोचोगे ना, यहां पर पोटेंशियल जीरो काइनेटिक मैक्सिमम, इधर पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक जीरो, तो दोनों बराबर होने की जगह इनके बीच में होगी। अरे हाँ या ना, तो दोनों की वैल्यू अगर बराबर हो रही है तो वो पोजीशन, वो लोकेशन जो है, वो डिस्प्लेसमेंट जो है, वो बराबर इन दोनों के बीच में होना चाहिए। इन दोनों के बीच में मतलब ए बाय टू। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप एकदम रॉन्ग हो। यही रीजन है कि यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं आया है। मजाक, समझ रहे हो? ठीक है, रीजन क्या है समझ में आया? यही रीजन है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं आया। अब इसको प्रूफ करते हैं कि यार ये हो कहाँ रहा है, कहाँ होगा एग्जैक्टली, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखते हैं, वो है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन लिखते हैं और वो है हाफ के एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से दोनों के बीच में इक्वलिटी लगाते हैं, क्योंकि बोला गया है कि दोनों इक्वल हो रहे हैं। अब जो कटता है उसको कैंसिल कर दो, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग बचा है उसके साथ सॉल्यूशन आगे बढ़ाओ। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। इसे अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो मुझे मिलेगा टू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या कहते हो, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर? स्क्वायर बाय टू, ए बाय रूट टू। ए बाय रूट टू, और वही प्लस माइनस बोलना पड़ेगा। मतलब ये वो जगह है, ये माइनस ए बाय रूट टू, और ये वो जगह है ये प्लस में ए बाय रूट टू, जहां पर दोनों एनर्जीज इक्वल है। ये इक्वल इक्वल वैल्यू मिल रही है। अगर ये सीधी लाइन लेता मैं तो ये थोड़ा पीछे आके बराबर ए बाय टू पे आ जाता। ये कर्व आया तभी हल्का सा आगे जाके ए बाय रूट टू हो गया है। समझ रहे हो बात को? ये सुनो, ठीक है। अब इसमें एक और चीज हमें समझनी है, एक और फैक्टर को या एक और कैलकुलेशन को हमें अच्छे से समझना है। वो ये है कि जैसे डिस्प्लेसमेंट हमारा ये आइडेंटिफाई करवा सकता है कि कहां कौन सी एनर्जी कितनी होने वाली है, वैसे हम टाइम से भी समझ सकते हैं। क्यों ना इस एनर्जी को टाइम वेरिंग फंक्शन के हिसाब से डिफाइन किया जाए। ठीक है, टाइम वेरिंग फंक्शन के हिसाब से मैं इसको लिखना चाहूंगा। अब सभी गौर से देखें, लेट्स इमेजिन के पार्टिकल अपना मोशन शुरू करता है मीन से, तो उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है? बिल्कुल सही। इस हिसाब से आप मुझे बताओ कि अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी की एक इक्वेशन बना दी, तो इक्वेशन है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, करेक्ट है? के एम ओमेगा स्क्वायर मतलब के एंड देन एक्स स्क्वायर। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब ये सीधे सीधे देखने से हमें पता चलता है, सॉरी साइन स्क्वायर, हाँ सीधे सीधे हमको ये देखने से पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी की जो भी वैल्यू आएगी वो इस टाइम फैक्टर पे डिपेंड करेगी और इस फेज पे डिपेंड करेगी कि कितना होगा। यस और नो?
अब कल वाली पूरी डेरिवेशन याद करिए, जिसमें जैसे जैसे हम ये टाइम चेंज करते थे वैसे वैसे ये फेज एंगल चेंज हो जाता था, फिर उसके बाद साइन फंक्शन की वैल्यू बदलती थी और ओवरऑल वैल्यू ऑफ पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब बदल जाती थी। yes. तो यही खेल यहाँ पे भी हो। अब इसी बात को अगर मैं रिपीट करना चाहूं कि भाई उस पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे लिखी जा सकती है, तो वेलोसिटी बेटा आएगी dx by dt, टाइम के हिसाब से हम लिखना चाहते हैं, टाइम के हिसाब से हम उसको लिखना चाहते हैं, ठीक है। कोई मुझसे पूछ रहा था ओमेगा टी का स्क्वायर आएगा क्या, नहीं यार साइन स्क्वायर पूरा हो जाता है, बहुत कमजोर रिप्रेजेंटेशन मत करो आप लोग, ओमेगा टी का कैसे स्क्वायर होगा, फंक्शन का स्क्वायर हो गया, खत्म हो गया ना बात। यस, वी इज इक्वल टू dx बाई dt, अगर मैं वेलोसिटी निकाल लूं तो इस हिसाब से सोचो तो मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन क्या मिलेगी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, क्योंकि मैं साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो उसका आंसर आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आप मुझे बताइए जनरल तरीके से अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखी तो उसका फॉर्मूला बनता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो ऑन दैट बेसिस काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनने वाली है हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, करेक्ट है क्या, और इसमें डाउट है ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं आया? अरे हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ जैसे जैसे हम टाइम की वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे, इंस्टेंटेनियस टाइम जो भी नई नई वैल्यूज लेगा वैसे वैसे ये फेज बदलेगा, उसके हिसाब से कॉस का फंक्शन अपनी एक नई नई वैल्यू को आइडेंटिफाई करता जाएगा और फिर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज बदल दी जाएंगी। Yes or no? Yes. अब मैं इसका एक बड़ा ही मजेदार सी रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखना चाहता हूँ, बड़ा मजेदार रिप्रेजेंटेशन, ध्यान से देखिए। इसे अगर हमने बेटा ग्राफिकली बनाने की कोशिश की कि भाई एक एक्सिस पे हमने ले लिया एनर्जी और दूसरे एक्सिस पे हम ले लेते हैं टाइम, ठीक है, ये टाइम और एक एक्सिस पे मैंने ले लिया एनर्जी, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां टोटल एनर्जी निकालूं, ध्यान से समझना और बड़ा ही मजेदार आंसर मिलेगा आपको। तो क्या टोटल एनर्जी में मुझे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करना पड़ेगा? यस। तो इक्वेशंस को बेटा पुटअप करो, आप देखोगे कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ई प्लस के ई जब मैं करूंगा ना तो उसमें हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इधर भी वो है इधर भी वो है, तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, अब बचपन में पढ़ा होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो ये हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि टोटल एनर्जी में आप दोबारा उसी जगह पे आके लैंड कर रहे हो हाफ के स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर ग्राफ में मैं टोटल एनर्जी को बताना चाहता हूं तो बस मुझे एक स्ट्रेट लाइन बतानी है, कुछ नहीं करना, ये टोटल एनर्जी है, दैट्स इट, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आप सोचो कि मैं जीरो टाइम से शुरू करता हूं, टाइम से शुरू कर रहा हूं, पोजीशन से नहीं है ये ग्राफ पोजीशन से नहीं है, ये वाला ग्राफ पोजीशन से था अपना, यहां नीचे जो ग्राफ था ना ये एक्स पोजीशन से था, इधर उधर डिस्प्लेसमेंट कह लो पोजीशन की बजाय, ये टाइम से है बेटा। अगर मैं जीरो टाइम से शुरू करता हूं और ऐसी लाइन बनाना शुरू करता हूं, ध्यान से देखना, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कौन सा ग्राफ है, पोटेंशियल का है या काइनेटिक का? काइनेटिक का, पोटेंशियल, जो भी बोले रीजन के साथ बोले, हवा में बेकार मुझे आंसर सुन के तो कुछ नहीं होना है, पोटेंशियल है क्योंकि साइन कर, शाबाश, ये ग्राफ पोटेंशियल का है, कैसे पोटेंशियल का, आपने कैसे पहचाना कि ये ग्राफ पोटेंशियल का है? साइन कर, साइन कर, किस हिसाब से बोला तुमने ये साइन कर है? पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन में साइन, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन में साइन है, तो ये साइन किस हिसाब से बोल रहे हो, ये साइन क्यों, क्या हिसाब से बोला तुमने ये साइन है, इसको साइन क्यों बोला तुमने? आंसर सिंपल है, जीरो पर वैल्यू जीरो है, जीरो पर जीरो से स्टार्ट होने वाला फंक्शन तो साइन होता है। हाँ। और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन में साइन आया मतलब ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये किसका होगा? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का होगा, ठीक है। और अगर मैंने ऐसी लाइन बना दी या इस तरीके का ग्राफ बनाया तो
ये वाला कर्व क्या होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कि काइनेटिक एनर्जी का होना चाहिए, देखो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में क्या आ गया, कॉस आ गया। तो ये जीरो पर मैक्सिमम से शुरू होता है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम सब जानते हैं। अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू वाकई यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो वो होनी चाहिए हाफ के ए स्क्वायर, हम सब जानते हैं। एक और बात नोटिस करो, जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है पोटेंशियल मैक्सिमम, पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाती है, तो ये टाइम के हिसाब से ना मैं बोल सकता हूँ ये टी बाई फोर है। सर ऐसे कैसे बोला आपने टी बाई फोर है टाइम के हिसाब से? सोचो तो, ध्यान से सोचो। ये मैं रिप्रेजेंटेशन कर दूं इधर, ये जीरो पोजीशन बता दूं और ये मैं प्लस ए पोजीशन बता दूं, तो ये जो जीरो टाइम है इसमें पार्टिकल मीन पर है। मीन पर कौन ज्यादा? काइनेटिक ज्यादा। तो ये देखो ब्लू वाली लाइन काइनेटिक की है, ये काइनेटिक ज्यादा, और ये ब्लैक वाली लाइन पोटेंशियल की है, तो मीन पर पोटेंशियल कम। बराबर? यस सर। अब जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता गया और मैक्सिमम होता गया, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होती गई और वो जीरो पे आ गई। तो हम कहां पहुंचे होंगे? एक्सट्रीम पर पहुंचे। और जब हम एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं तो टाइम कितना लगता है? टी बाय फोर। तो टाइम स्केल पर ये टाइम टी बाय फोर होना चाहिए, टाइम स्केल पर ये वाला टाइम होना चाहिए टी बाई टू, टाइम स्केल पर ये टाइम होना चाहिए थ्री टी बाई फोर, टाइम स्केल पर ये टाइम होना चाहिए टी। समझो बात को? यस सर। ठीक है, हमने एक ऑसिलेशन पूरा किया ना, तो उतने में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज ने दो बार रिपीटेशन पूरे किए, दो बार। ठीक है, दो बार उसने रिपीटेशन पूरे किए ना। देखो मैक्सिमम से शुरू किया, फिर एक बार मैक्सिमम हुआ, फिर एक बार मैक्सिमम हुआ, तो yes. हमारा कितना ऑसिलेशन पूरा हुआ? वन। और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यूज कितनी बार आई? दो बार। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात करते हैं। मिनिमम से शुरू किया, एक बार मिनिमम हुआ, फिर एक बार मिनिमम हुआ, तो हमने कितने ऑसिलेशन पूरे किए? वन। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी ने कितनी बार अपनी वैल्यूज को मिनिमम किया? दो बार। मतलब हमारे ऑसिलेशन की जितनी भी फ्रिक्वेंसी है डबल, उसकी डबल फ्रिक्वेंसी किसकी होगी? काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने की या पोटेंशियल एनर्जी के चेंज होने की? काइनेटिक एनर्जी भी तो चेंज हो रही है, जीरो मैक्सिमम जीरो मैक्सिमम। बात समझ आ रही है? तो अगर मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा, जो ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं, कि SHM की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, माइक ऑफ रखो बेटा प्लीज, SHM की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो बताइए इसमें काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 हर्ट्ज। क्योंकि एक ऑसिलेशन पूरा होते होते काइनेटिक एनर्जी ने दो बार अपने वैल्यूज में फ्लक्चुएशन किया, दो बार उसने अपनी वैल्यूज को रिपीट किया। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बोलें तो SHM की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी, KE और PE की चेंज होने की फ्रीक्वेंसी उसकी डबल होगी। अब गौर से सुनना, अगर मैं टाइम के हिसाब से बात करूं, टाइम के हिसाब से, तो SHM का एक ऑसिलेशन पूरा होने के लिए जितना टाइम लगता है, उसके आधे टाइम में काइनेटिक एनर्जी अपनी वैल्यूज को रिपीट करती है, पोटेंशियल एनर्जी अपनी वैल्यूज को रिपीट करती है। देखो टी बाई टू में ही वापस से फुल हो गई थी, जबकि हमारा ऑसिलेशन कितने टाइम में पूरा हो रहा है? टी। तो के और पी के चेंज होने का टाइम पीरियड कितना है? टी बाई टू। शाबाश। के और पी के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2n। अगर SHM की फ्रीक्वेंसी n है तो के पी के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी 2n। अगर SHM का टाइम पीरियड टी है तो के पी के चेंज होने का टाइम पीरियड टी बाई टू। एक SHM है जो 10 सेकंड्स में अपना मोशन पूरा करता है, उसका टाइम पीरियड 10 सेकंड है। अब बोलो क्या क्या बोल सकते हो? 5 सेकंड। एक SHM है जो 20 ऑसिलेशंस लेता है पर सेकंड, तो के पी का चेंज होने की फ्रीक्वेंसी 40 पर सेकेंड, यानी कि 40 हर्ट्ज बोला जा सकता है फ्रीक्वेंसी के यूनिट को फॉलो करें तो। ये सब मैंने मॉड्यूल में लिख रखा है, याद करो इसको अच्छे से।
ठीक है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, मैंने एक पूरा कंपैरेटिव चार्ट तैयार कर लिया, क्योंकि ये चीजें बार बार हमें काम में आती रहेंगी, बार 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 हम इसको यूज करते रहेंगे कि भाई कंपैरिजन कहां कौन सी चीज कितनी है। तो ये है पूरा चार्ट, और मैंने इसे परसेंटेज में भी बाइफरगेट कर दिया है, ठीक है। मैं अब इसको पूरा डिटेल डिस्कशन तो नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे इतने, मैं समझता हूँ इतना कैलिबर आप होना चाहिए, है नहीं है वो तो अल्लाह वालम, कि आप इन चीजों को समझ पाए। मैंने पोजीशंस बता दी हैं, 0, a/4, a/2, 3, a/4a, मतलब यहां अलग अलग पोजीशंस ले रहे हैं। अब आप नोटिस करें टोटल एनर्जी की हर एक डिस्प्लेसमेंट पर वैल्यू कैसी आ रही है, कॉन्स्टेंट आ रही है, सेम आ रही है बिना किसी चेंज के, तो वो कंजर्व होने की निशानी है। अब सीधे सीधे मैंने यहां पे काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला अप्लाई किया, के कुछ इस तरीके से अप्लाई किया, हाफ के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला अप्लाई किया, और बस ये एक्स हटा हटा के उसकी जगह पर ये नंबर्स मैंने पुटअप करना शुरू किया, ये सारी वैल्यूज पुटअप। तो इन इन जगहों पे, इन इन डिस्प्लेसमेंट्स पे मुझे के ई की रिस्पेक्टिव वैल्यूज मिलती गई और पी की रिस्पेक्टिव वैल्यूज मिलती गई। अब पहले दो बातें मैं आपके सामने रखता हूं, जब हम मीन पर हैं तो कौन मैक्सिमम है और मिनिमम पोटेंशियल, जिसको 100% बोलेंगे इसको 0% बोलेंगे, यस। और जैसे ही हम एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जीरो मिनिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, तब इसको जीरो बोलेंगे और इसको 100 बोलेंगे। फिर बीच बीच में जो वैल्यूज आते हैं उसको कैलकुलेट करके हमने उसका परसेंटेज एस्टिमेशन कर दिया है कि कहां कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी बनती जाएगी और कहां कितना परसेंट पोटेंशियल एनर्जी बनती जाएगी। और एक बात खास कि अगर आप इन दोनों परसेंटेज को जोड़ेंगे तो ये टोटल हमेशा 100 ही होगा। ये देखो 93.7.6.25 ऐड करें 100 हो जाएगा, ये 75.25, ये 43 और ये 56 ऐड करें 100 हो जाएगा। ये दोनों मिला के तो टोटल हमेशा बनना ही बनना है। और परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, किसी भी जगह की काइनेटिक या पोटेंशियल की वैल्यू ले लें और उसको मैक्सिमम यानी कि हाफ की स्क्वायर से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। yes. तो उससे परसेंटेज मिलेगा। जैसे मुझे ये 1/8 के ए का परसेंटेज निकालना है, तो मैं एक एग्जांपल सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं, तो जिस जो वैल्यू का परसेंटेज निकालना है मैं उसे न्यूमरेटर में लिखूंगा, मैक्सिमम मैक्सिमम तो हमेशा टोटल होती है, उसको मैंने पुटअप किया और इस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से, 100 से, ये हो गया परसेंटेज। तो ये के स्क्वायर, ये के स्क्वायर कट गया, ध्यान से देखिए ये 2/8 हो जाएगा। yes. 2/8 अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये 1/4 × 100 हो जाएगा और सॉल्यूशन के बाद ये मुझे मिलेगा 25%, करेक्ट है। ऐसा मैंने हर जगह का निकाला है। yes, sir. तो ये एक छोटा सा कैलकुलेशन हमको यहाँ पे समझना था। एक लास्ट पॉइंट रह गया है जो सिर्फ एज अ इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, बाकी मैंने नोट्स में इसका डेरिवेशन तो लिख रखा है, अब हमारे थियोरी के सिलेबस में वो बिल्कुल आता भी नहीं है और कभी कभी ही रेयरली कुछ पूछा गया है, लेकिन मैंने डेरिवेशन अपनी मॉड्यूल में दे रखा है, आप चाहे तो वहां पे पढ़ सकते हैं। एवरेज एनर्जी कितनी होती है, एवरेज के ई की वैल्यू और एवरेज पी की वैल्यू और एवरेज टी की वैल्यू भी इसमें मैं इंक्लूड कर देता हूं, टी भी ले लेते हैं, ठीक है। अब टी के ई या पी, एवरेज आ रही बात समझ में? Yes. अब टी के लिए कोई एवरेज डिस्क्रिप्शन मैं समझता हूं हमें करने की जरूरत नहीं है, क्यों बोलो तो? कॉन्स्टेंट ही, अगर मैं एवरेज निकालूंगा भी तो यही आएगा ना। yes. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ इसको डायरेक्ट हेडिंग में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन आपको मालूम हो इसलिए जानबूझ के थोड़ा सा। तो टी हटा दें यहां से। अब बचता ये है कि लगातार हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बदलती जा रही है, तो हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि ऑन एन एवरेज कितनी पोटेंशियल एनर्जी है और कितनी काइनेटिक एनर्जी। तो डेरिवेशन में न जाते हुए मैं सीधे सीधे आपको इसका फॉर्मूला बता दूं, इसका आंसर आता है 1/4 m ω² a² एवरेज हमें इंटीग्रेशन करके निकालना होता है, ठीक है, टाइम रेट से एक फुल साइकिल के लिए हम उसको इंटीग्रेट करके निकालते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का भी अगर मैं एवरेज निकालना चाहूं तो कितना आता है, 1/4 m ω² a², ठीक है। छोटा सा फर्क याद रखिए, हाफ की बजाय क्या आ गया,
1/4। बस इतना छोटा सा पॉइंट याद रखिए, डेरिवेशन तो ना थ्योरी में आएगा ना ही एमसीक्यूज में आएगा। हाँ लेकिन एमसीक्यूज में ये जरूर पूछा जा सकता है कि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है। समझ पाए? दोहराए जरा, कितनी है भाई एवरेज बताए? 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, चाहे तो लिख सकते हैं 1/4 ka² Getting it right? Yes. चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन लूंगा मैं, टाइम ज्यादा हो रहा है वैसे भी। एक सिंगल क्वेश्चन जस्ट टू स्टार्ट, कल के लेक्चर के लिए हमको एक स्टार्ट आज मिल जाए, इसलिए कल फिर मैं पूरे न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ। आप मॉड्यूल में देखें 28 क्वेश्चन है और इंशाल्लाह मैं कल पूरे 28 के 28 एक साथ लूंगा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट विच द के एंड पी आर सेम। चलिए बहुत आसान है, क्या हमसे ये कह रहे हैं कि के और पी कैसा है? सेम है। क्वेश्चन के हिसाब से हमने के पी सेम कर दिया। के का फॉर्मूला पी का फॉर्मूला हाफ के स्क्वायर, ये हाफ के, ये सारा फैक्टर कटने के बाद, ठीक है ना, ये कट जाएगा ना, हाफ के इधर से हाफ के इधर से। आगे बढ़े, 2x² + a x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a बाई रूट टू। तो ये वो जगह है जहां पे ये दोनों एनर्जीज सेम होंगी, ना के x बाई टू, याद रखना x बाई टू नहीं है। कौन सी जगह पे सेम हो रही है ये? अब बोल रहा है एस्टिमेट द आंसर इन परसेंटेज ऑफ एम्पलीट्यूड, कितने परसेंट एम्पलीट्यूड पे ये जाके सेम हो रही है, परसेंटेज ऑफ एम्पलीट्यूड। किसी भी चीज का जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसे रेशियो लेते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। रेशियो कैसे लेंगे? जो मैक्सिमम है वो डिनोमिनेटर में, और जिसका परसेंटेज हमको निकालना है उसे न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में क्या लें? a by root 2, ठीक है। और जो मैक्सिमम होता है, जिसका हिसाब से परसेंटेज निकालना होता है, वो डिनोमिनेटर में लेते हैं। आपकी एग्जाम अगर 600 मार्क्स की होती है तो आपको डिनोमिनेटर में 600 लिखना होता है, याद रखिए। यस। अगर कभी आपने 9th 10th में एग्जाम 500 की दी होगी तो आपके डिनोमिनेटर में 500 आता है परसेंटेज निकालते वक्त। परसेंटेज निकालते वक्त डिनोमिनेटर में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू आएगी और ऑब्टेंड वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर में आएगी, और उसको फिर 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं समझता हूँ 9th 10th के स्टूडेंट के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ ये 12th के इस बच्चों को तो आना चाहिए सब कुछ ही, फिर भी साथ ही हाथ बढ़ाना, कोई छूटे ना जाए, है ना। तो ये a फैक्टर कट गया, 1/√2 × 100 70.7 by root 2 का वैल्यू हम सब जानते हैं 0.707 × 100, यानी कि परसेंटेज में 70.7% ऑफ द एम्पलीट्यूड जब पूरा हो जाएगा तब जाके के और पी सेम होगी। ओके विद दिस? यस। तो यहां तक के पूरे डिस्कशन में मैं समझता हूं मैंने आपको सारी बातें एक एक करके अच्छे तरीके से बता दी हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास जो होगी उसमें हम 27 न्यूमेरिकल्स करने के इरादे से कंटिन्यू करेंगे। 27 न्यूमेरिकल, 28 है उसमें का एक तो मैंने आज आपको ले लिया, तो कल की क्लास में हम ये पूरे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। रुक जाए। यस सर। यस।